बाकी मेरे को इस बात का बड़ा अफसोस है और दुख भी है कि हमारे खिलाड़ी जो जिन्होंने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया उनको धरने पर बैठना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उनको सही एंटर लेना चाहिए। उनको तो बहुत बड़ा काम है, यहाँ हरियाणा में कई दफा कह चुके हैं भाई, थोड़ा बहुत तो अपना इतिहास रखो। जो ये खेल मंत्री से गए, निष्पक्ष इंक्वायरी जब तक नहीं होती तो उनको पक्ष से आशीर्वाद दे देना चाहिए। बाकी बाकी आप सवाल पूछो। इंक्वायरी पूरी नहीं हो रही और चीफ मिनिस्टर के बयान जो आ रहे हैं उससे वो मैं वही तो कह रहा हूँ, निष्पक्ष कैसे इंक्वायरी हो सकती है भाई? मुख्यमंत्री कह रहे हैं अनर्गल है, मैं ये नहीं कहता दोष या निर्दोष की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन उसको इंसाफ मिले और दूध का दूध पानी का पानी हो, उसके लिए निष्पक्षता जरूरी है। निष्पक्ष जांच पद पे रहते हुए नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो। और मतलब अगर बिल्कुल ये सोचे भाई वो है तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी किया या सीबीआई को दे दे, यही तो मदद कर रहे हैं। बात होगी जब मैं कह दिया, वही साहब तो जब तो निष्पक्ष नहीं हो सकती है उसकी बात, उसको इंसाफ देना साहब। ये जो डब्ल्यू एफ आई वाला जो मैटर चल रहा है उसमें आरोप लगाया पूरा जूसन में जितेंद्र हुक्का के ऊपर, आप कह रहे थे डिफेमेशन करेंगे, क्या स्टेटस है? ऐसा है, उसने कहा, मैंने देखा है, उन्होंने जितेंद्र का भी नाम लिया है, मेरा भी लिया है, ये अपने बचाव के लिए इसने कहा है। और जी बात है, डिफेमेशन का एग्जाम करा रहा हूँ और उसके ऊपर डिफेमेशन साबित करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का उसने कहा है, अभी खिलाड़ियों का इंसाफ देने की तो बात कर ही रहे, उनको तो उसी टाइम छोटा चाहिए था। अगर तो इंक्वायरी कराओ और निष्पक्ष जांच कराओ, ये कोई मतलब हमारी बहन बेटियों को धरने पे बैठे बैठना पड़े और ऐसे गंभीर आरोप लगाने पड़े, तो ये तो शर्म की बात है। मतलब हमारे जो खिलाड़ी रहे हैं, सरकार ने लागत को इतने बढ़ा दी करने का भाव 1 रुपया नहीं बढ़ाया, जबकि हमारे समय में 165% वृद्धि हुई थी गन्ने के भाव की। 110 था मेरे ख्याल में, 117 था जब हमारी सरकार आई, और जब सरकार 310 थोड़ा था। इसका मतलब यह है कि हर साल जो है 17% की वृद्धि की हमने हर साल, और इन्होंने 8 साल में 17% की वृद्धि की है, 8 साल में 17% की वृद्धि, और अब 1 भी रुपया बढ़ाया नहीं उन्होंने। इसी प्रकार से आप स्कूलों का हाल बुरा है, कॉलेज का, कॉलेज टीचर्स की जो है 8,000 वैकेंसी हमारे पास कॉलेज टीचर्स की, जितने हरियाणा में कॉलेज, उनमें से 4,500 वेकेंट है, 4,500 ही है, तो क्या भविष्य बनेगा हमारा? उनका ये जो परिवार पहचान पत्र है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसी बात को बार बार कह रहे हूं, तो हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम करेंगे, क्योंकि 500 कितनी वो सर्विसेज हैं वो सब इससे जोड़ दी गई हैं, और उनका बेस आधार कार्ड जोड़ दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसका मतलब किसी और कौन चेयरमैन का, मुख्यमंत्री चेयरमैन है, इसका मतलब हर आपके बैंक में क्या है, क्या सब डिटेल वहां जाएगी, आधार कार्ड से नहीं करना, तो ये बड़ा वैसा है। ये कौन इतने में सारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले हो गया। आप देखेंगे आप कि इसका जो बेनिफिट जो है वो सब आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया, प्रधानमंत्री जितनी सर्विस है, मतलब अगर कोई
एग्जाम भी हो रहा है, सीईटी है, उसमें भी आधार कार्ड कर नहीं सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आधार कार्ड उसी के लिए कंपलसरी है जो गवर्नमेंट से कोई मतलब वो ले रहे होंगे, जैसे कोई स्कीम हो, बेनिफिट हो, कोई उसमें लाभ दे रहे हो, उनके लिए आधार कार्ड जरूरी है। सर ये बात थोड़ा फैसला, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये एक बड़ा भारी वो परेशानी का कारण लोगों के लिए, दोनों पुरुष परिवार पहचान पत्र और ये जो आपका प्रॉपर्टी आईडी, ये सिवाय करप्शन के और कोई चीज नहीं, कोई लोगों की रात के काम इन्होंने नहीं किया। आज ही अखबार में आया हाईकोर्ट ने जो एसएस जो कोऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है उसके ऊपर 1,00,000 जुर्माना लगाया, इस वास्ते लगाया है क्योंकि उसमें हेराफेरी की। और ये जो आप बात शुरू से कर रहे हैं ये सरकार में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही है, ये साबित करता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पैसा पकड़ा गया और जो जिसके पकड़ा गया जो एक्यूज था उसकी जमानत हो गई हाई कोर्ट में, क्यों चलानी पेश नहीं किया सरकार ने, तो ये इसलिए सिद्ध करता है कि ये नीचे भी संरक्षण है सरकार का नौकरियों में घोटाले बाजी का, ये साबित करता है। और यही कारण है, आप देखिए आज प्रदेश का क्या हाल है, प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले 17,00,000 विद्यार्थी थे, उनको 3 साल से स्कॉलरशिप और ड्रेस का पैसा नहीं मिला। अब ये पहले PRI का जो पैसा आता है 2008 में जो स्कीम बनी थी यूपी सरकार ने, सीधा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जाता था पैसा, गांव तक पैसा जाता था, वो कोरोना काल में 2 साल नहीं मिला और अब क्या मिला है। और तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई इतना पैसा दे रहे हैं, अभी तक गाँव में नहीं पहुंच रहा है, इतना PRI का पैसा है, बाद की 2 साल का तो दिलवाओ, ये 2008 से मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, ये किस बात की श्रेय ले रहे हैं, स्कीम के अंदर आता है इनका ये देखा। और आज जो सरसों होते हैं मस्टर्ड जो ये हुआ है जो मौसम की वजह से पूरे प्रदेश में कम से कम जो 60% किसान की सरसों बर्बाद हुई, उसकी ना तो स्पेशल गिरदावरी का कोई आदेश किया ना असेस करने का कहा, ये तो मान गए नुकसान हुआ तो सबको दिखता है, लेकिन उसका कंपनसेशन क्या दोगे, स्पेशल गिरदावरी कराई की कराई, ये आपके सामने है इसमें। और जैसे मैंने कहा सारा पूरे प्रदेश के सरपंच और वो बैठे हैं एजुकेट कर रहे हैं, ई टेंडरिंग कहते करेगा सरपंच तो 2,00,000 से ऊपर काम होगा, तो ई टेंडरिंग द्वारा, ये एक घोटाले का एक नया हुआ है, ये भी बड़ा भारी घोटाला सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ई टेंडरिंग का मतलब ये है जिसको मर्ज दे दो, जब आप पोर्टल सरकार का ही, अब पोर्टल खुला पोर्टल बंद हो गया, आपका आ गया पोर्टल बंद था, इतना तो इस किस्म के है। जब पंचायत पहले पंचायत में चुनाव नहीं कराए, कोर्ट के आदेश से पंचायत के चुनाव कराने पड़े, अब चुनाव हो गए उन्हें भी पंचायतें हैं तो उन पर विश्वास रखना चाहिए, वो इलेक्टेड बॉडी है जिस तरह हम इलेक्टेड हैं उसी प्रकार से पंचायत भी इलेक्टेड है, जिला परिषद इलेक्टेड सब इलेक्टेड है, तो उन पर विश्वास रखें। जैसे 20,00,000 रुपये के सरकार हमारे समय में था तो इसको बढ़ाना चाहिए, महंगाई इतनी बढ़ा जो 20 की जगह आप 30 करना चाहिए, ये उसको 2,00,000 से फालतू ई टेंडरिंग होगी, इसका मतलब